ए गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एवरी वन आई होप यू गाइज सिस वीडियो आम गोन टू टॉक अब बीकॉम काउंसलिंग एंड पूरी जो बातें है वो यहाँ पे मैं आपके साथ करूँगा और गाइज उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं देखता हूँ अपने एथलेटिक्स में अराउंड 76% ऐसे लोग हैं ऐसे दोस्त हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा तो गाइज आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले बीकॉम का हुआ था काउंसलिंग वगैरह और तो उसके बाद क्या सीटों का मतलब है कि सीट खाली है नहीं है इसका नेक्स्ट कट ऑफ कब आएगा और भी अदर जो सब्जेक्ट है बी ए बीए और बी का उसका कब आएगा और जैसे आप लोग को मालूम है कि अभी इलेक्शन है जैसे आज मैं सूट कर रहा हूँ दो नवंबर को और कल यहाँ तीन नवंबर को आपका जो है वो इलेक्शन वगैरह है फिर आपको और है एक एक दिन और इलेक्शन होगा और फिर उसके बाद काउंटिंग वगैरह है तो तमाम जो बातें हैं यहाँ पे निकल के आ रही हैं तो काफी समय लगने वाला है और खबर तो ये आ रही है कि आपका जो काउंसलिंग वगैरह है और एडमिशन प्रोसेस है वो आपका दस नवंबर के बाद हो सकता है तो तमाम जो बातें हैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और साथ ही दि, साथ डिस्टेंस वाले कोर्स जो है वो काफी दोस्त पूछ रहे थे कि डिस्टेंस का कब आएगा कब आएगा तो कैसे मैं बता दूं कि आपका डिस्टेंस का जैसे आप जैसे होता है डिस्टेंस से कोर्स होता है वो उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं आपका लास्ट डेट अराउंड थर्टी नवम्बर तक है तो आप इस मंथ के एंड होते होते तक जल्द से जल्द फॉर्म भर दें क्योंकि वहां पर भी आपका नामांकन जो है वो प्रोसेस जो है वो फॉर्म फिलिंग का स्टार्ट हो चुका है तो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं चलिए डिस्टेंस का मैंने जो भी था मैंने आपको बता दिया अभी कुछ खासा मेरे पास जानकारी नहीं है अगर कुछ होता है तो मैं आगे, आगे आपके सामने साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा ठीक है गाइज बीकॉम के बारे में बात कर लेते हैं जैसे आप लोग को मालूम है कि बीकॉम का कुछ दिन पहले काउंसिलिंग हुआ था और उसके बाद अभी भी जो है वो सीटें खाली है तो मैं बता दूँ कि सीट आपका खाली है और हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसके आगे आने वाले समय में आपका जो कट ऑफ है वो आ सकता है तो गाइज कैसे क्या चीजें हैं तो मैं बता दूं कि आपका वाणिज्य में वाणिज्य में जैसे कि अभी मतलब अराउंड आई थिंक 173 के तकरीबन स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था और 133 थर्टी थ्री इन वाणिज्य एंड सिक्सटी इन मगध महिला सो रिमेनिंग सीट इन वाणिज्य इज अराउंड 137 थर्टी सेवन एंड नाइन्टी सीट रिमेनिंग इन मगध महिला तो गाइज मैं बता दू कि अभी भी खासा मतलब अभी जो है वो सीट खाली है आपका और हम लोग जो ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपका कट ऑफ आएगा जैसे मैंने आपको बताया तो अराउंड थर्टी वन थर्टी सेवन सीट आपका वाणिज्य में और नाइन्टी सीट आपका मगध मेला में तो आगे जो है वो आपका कट ऑफ की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं और कट ऑफ जो आ, जैसे हम लोग ये देख रहे थे कि कट ऑफ है जो आपका कैटेगरी वाइज आ रहा है तो उसमें भी आपका कैटेगरी वाइज ही आएगा और उसमें जो है वो आपको फर्क ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा आपका जो मिनिमम होगा एक या दो मार्क्स आपका नीचे आएगा या ज़्यादा से ज्यादा तीन मतलब जैसे सुविधा होगा सीट के अकॉर्डिंग और कितने स्टूडेंट उस मार्क्स के अराउंड है वो सब भी बहुत आ, कुछ डिपेंड करता है और मैक्सिमम तो थोड़ा बहुत आ, आपको जाने का है चार पाँच मार्क्स पाँच मार्क्स आपका आगे जा सकता है तो कट ऑफ में हम लोग ये देख सकते हैं आ, वही दो तीन मार्क्स जो है वो आपका कम हो सकता है तो वो सब जो बातें हैं अभी बस हम लोग एक कह सकते हैं कि हम लोग आंकड़ा मतलब लगा ही सकते हैं कि क्या हो सकता है लेकिन तस्वीर जो है वो आपका ऑफ आने के बाद ही क्लियर होगी तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना होगा काफ़ी सारे दोस्त हैं काफी मतलब क्या गुम है मतलब परेशान हो जाते हैं काफी लगातार मैसेज करने लगते हैं कि बी का कट ऑफ नहीं आया बी का कट ऑफ नहीं आएगा इसका एडमिशन कब होगा काफी लंबा प्रोसेस हो गया है तो क्या मैं बता दूं कि यार ये सब जो टाइम होता है ये सब जो एडमिशन का प्रोसेस तो होता है वो काफी लंबा होता है जैसे आप आप लोगों ने ही देखा कि कितने कट ऑफ वगैरह आ गए और अभी तक सीट अभी जो है वो फुल नहीं हुआ है कुछ स्टूडेंट का नहीं हो पाता है हो पाता है और मतलब जो नामांकन है वो रह जाता है तो सीटें खाली रह जाती हैं और काफ़ी लंबा प्रोसेस है आप लोगों को लगता होगा कि काफ़ी मतलब एक दिन का समय होता है लेकिन एक दिन का बिल्कुल नहीं है आपको बहुत सारी जो सीटें हैं कट ऑफ वगैरह निकालना पड़ता है एडमिशन का प्रोसेस होता है फिर उसके बाद सीटें जो है वो खाली रह जाती हैं तो उसके लिए फिर से कट ऑफ निकलता है तो थोड़ा बहुत समय लगता ही है और आप लोग को जैसे मालूम है कि अभी इस साल सिचुएसन क्या है और काफ़ी समय जो है वो आपका बीत चुका है तो मैं यही कहूंगा कि जो भी दोस्त हैं काफ़ी थोड़ा सा पेशेंस रखें और मतलब थोड़ा सा पेशेंस आप लोग भी खो देते हो और लगातार मैसेज करते रहते हो थोड़ा सा आप लोग भी वेट करो देखो इस साल कैसे कैसे सिचुएशन है और प्लस ऊपर से आपका इलेक्शन आ गया है इलेक्शन का समय आ गया है तो वहां पर भी बहुत सारे जो टीचर हैं मतलब जो भी आ, मतलब यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट है वहां पे भी आपको ड्यूटीज वगैरह तो लगी ही हैं तो वहां पे भी लोग काफ़ी व्यस्त हैं उसके बारे में बात करूंगा कि जो 10 नवंबर की जो बातें हैं वो निकल के आ रही हैं तो वहां पे भी जो लोग हैं वहां पे भी व्यस्त हैं तो उस कारण से आपका जो है एडमिशन का भी थोड़ा सा अभी दिक्कत है एक तो कोविड का आपका प्रॉब्लम जैसे मालूम है तो उससे और डिले हुआ और अभी जो है वो आपका इलेक्शन का तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है और पीयू भी है वो काफी समय ले रहा है अगर चाहता तो वो जल्दी जल्दी से जो चीजें थी वो कर सकता था लेकिन फिर भी अच्छा है मतलब समय लेकर हो जा रहा था ताकि जो भी स्टूडेंट है वो वो समय से अपना एडमिशन करवा लें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है तो थोड़ा बहुत वो सब भी देखना होता है तो आप लोग थोड़ा सा कॉर्पोरेट कौ, करो मतलब आ, तो कॉपरेट करो आ, तो आ, बात करता कि आ, दस जो तारीख है वो आपको बताया जा रहा है कि दस के बाद जो है वो आपका नामांकन की जो प्रक्रिया है वो फिर से शुरू होगी क्योंकि आप लोग को मालूम है कि इलेक्शन का समय है और तीन तारीख को इलेक्शन होगा यहाँ पे फिर उसके बाद एक डेट एक और है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और है तो वहां पे आपका जो है वो आपका इलेक्शन वगैरह है फिर उसके बाद आपका काउंटिंग है फिर मतलब रिजल्ट है फिर सरकार बनेगी तो बहुत सारा जो इसमें भी लॉन्ग प्रोसेस है तो उसका मतलब इफेक्ट मतलब ये कहूंगा मैं इफेक्ट हमें यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन में देखने को मिल रहा है तो खबर ये आ रही है कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो 10 तक रुका है 10 के बाद फिर से कट ऑफ वगैरह आपको निकलेगी फिर से काउंसलिंग का समय निकलेगा फिर से आपको जो है वो प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद जो है वो आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो गाइज मैं बता दूं कि जो भी दोस्त हैं काफी आई नो कि काफी परेशान है काफी वक्त हो चुका है काफी समय हो चुका है तो थोड़ा बहुत और पेशेंस रख लें क्योंकि अभी जो है जैसे आप लोग तो को मालूम है कि ऐसी जो सिचुएशन है वो आपको देखने को मिल रही है तो उसके साथ ही आपको चलना होगा और थोड़ा बहुत समय लगेगा लेकिन उसके बाद जो है वो आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी जिन भी दोस्तों का एडमिशन हो चुका है जो जो भी दोस्त का एडमिशन हो चुका है तो वो लोग थोड़ा सा अपने प्रयास करेगी बुक्स वगैरह ये सब देख ले कि फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब कैसे जो है वो बुक्स है तो वो उनसे काफी अच्छा होगा तो बुक थोड़ा सा ले ले तो उनको थोड़ा सा देखने में समझने में काफी समय है तो कॉलेज खुलते खुलते उनको कम से कम सिलेबस जो है वो समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या चीजें हैं तो गैस ज्यादा मैं समझ नहीं लूंगा और क्या होता है कि बार बार जो है वो जैसे अभी मैं बता दूं कि एग्जाम्स मेरा भी आ रहा है तो थोड़ा सा बहुत प्रिपरेशन करना पड़ रहा है तो वीडियो थोड़ा सा नहीं मैं अपलोड कर पा रहा हूँ और ऊपर से मेरा जो फोन है वो काफी मतलब Redmi Note 3 है और चार साल पुराना है तो कभी भी ये जो है वो बंद हो जाता है और इसको मैं दूसरी या तीसरी बार शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वीडियो बनाने में वीडियो शूट करने में वीडियो अपलोड करने में तो गैस मैं यही कहूँगा थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करना ठीक है Uh, काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं काफ़ी लोग देख लाइक नहीं करते गाइस लाइक क्या करो देखता हूँ कि थाउजेंड व्यूज भी चला जाता है तो लेकिन लाइक भी अराउंड थर्टी फोर्टी फिफ्टी के अराउंड रहता है थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो ठीक है तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करोगे तो मुझे भी थोड़ा सा बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ले अच्छे अच्छे से जो बातें हैं वो यहाँ पे मैं आपके साथ कर सकूँ ठीक है गाइज ज्यादा आपका समय लूंगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई भी सवाल है तो नीचे पूछ सकते हैं हो सकता है कि काफी थोड़ा सा मतलब कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जल आपका रिप्लाई कर दो चलिए गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट वन